सबसे पहले हमने जो पूरे सब्जेक्ट को विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मिसेलेनियस में डिवाइड किया था। विजुअल आर्ट्स में हमने अभी तक आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोर्ट्री कवर किया है, पेंटिंग बाकी है जो आज हम देखेंगे। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को फर्दर हमने हिस्टोरिकली डिवाइड किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, टेम्पल, इंडो इस्लामिक एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टेम्पल आर्किटेक्चर का जो नॉर्दर्न एंड सदर्न डिफरेंसेस है, नागर स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल और वेसर स्टाइल, ये तीनों स्टाइल्स देखी थी। और इंडो इस्लामिक ने हमको हिस्टोरिकली डिवाइड किया था दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में। दिल्ली सल्तनत में फर्दर हमने देखा था इम्पीरियल स्टाइल होती है, प्रोविंशियल स्टाइल। इम्पीरियल स्टाइल में कुछ ज्यादा कंस्ट्रक्शन बड़े नहीं हुए थे, लेकिन टॉम्ब और ये सब कंस्ट्रक्शन से ज्यादा हुए थे। जबकि मुगल पीरियड में, स्पेशली शाहजहां पीरियड में, हमें बहुत ही अच्छे मासिव बिल्डिंग्स मिलते हैं, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, वो टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। उसके बाद मॉडर्न आर्किटेक्चर में हमने दो स्टाइल्स देखी थी, इंडो गोथिक एंड नियो रोमन। और बाद में हमने ग्रीन बिल्डिंग्स का और ये सब का कंसेप्ट देखा था, और एग्जाम्पल में इंदिरा पर्यावरण भवन भी। अभी जो लास्ट सेक्शन है पेंटिंग्स, वो स्टार्ट कर। पेंटिंग्स एंशियंट इंडिया में पहले से ही उसका हमें रेफरेंस मिलता है। कामा सूत्र में वात्स्यायन ने जो 64 बेसिक फाइन आर्ट्स दिखाए उसमें से एक पेंटिंग है। उसमें वात्स्यायन ने छह उसके लिम्स बताए, यानी कि षडंग बोलते हैं उसको। दे आर बेसिक सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग। दे आर रूपभेदा, प्रमाण, लवण प्रयोजन, सदृश्यम, भाव और वर्णिका भंग। यानी कि कोई भी पेंटिंग हो उसमें ये बेसिक सिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं जो रूप भेदा यानी कि अपियरेंस का जो डिफरेंस एक होता है वो दिखना चाहिए। दूसरा कि प्रमाण यानी कि स्केल, अगर शेर इतना है तो फिर जो पेंटिंग की साइज है उसमें उसका प्रपोर्शन यानी स्केलिंग उस हिसाब से होना चाहिए जो एनाटॉमिकली सही लगे। लवण योजना यानी कि जो कलर्स का एप्लीकेशन होता है, जैसे ही हम अपनी रूटीन लाइफ में जैसे कलर्स जिस हिसाब से दिखते हैं वैसे उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। सदृश्यम यानी कि सिमेट्री, एक जो एनाटॉमी होती है उसको अच्छे से हमें डिपिक्टना पड़ता है। भाव यानी कि इमोशंस, जो अगर कुछ हम ऐसे इंसिडेंट्स दिखा रहे हैं तो उसमें जो फीलिंग्स होती है वो थोड़ी बहुत हम पेंटिंग से दिखा सकते हैं, तो वो होनी चाहिए। और वर्णिका भंग यानी कि यूज ऑफ ब्रशेस एंड ऑल। इंडियन पेंटिंग को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, म्यूरल पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग्स। हिस्टोरिकली भी 10th-11th सेंचुरी से पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें म्यूरल पेंटिंग ज्यादा मिलता है, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें मिनिएचर ज्यादा मिलता है। म्यूरल पेंटिंग्स जो वॉल्स पे किए जाते हैं वो पेंटिंग्स होते हैं। उसमें दो टाइप्स के होते हैं, ड्राई फ्रेस्को एंड वेट फ्रेस्को। म्यूरल पेंटिंग्स हमें सबसे पहले उसका एविडेंस मिलता है अजंता केव्स, लिपाक्षी केव्स, लिपाक्षी टेम्पल, इलोरा केव्स, ये सारे जो हमारे एंशियंट स्ट्रक्चर्स है उसकी वॉल्स पे हमें पेंटिंग्स मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि गुप्ता जो टाइम पीरियड था उसमें ये रॉक पेंटिंग्स यानी कि म्यूरल पेंटिंग्स का हमें क्लाइमैक्स मिलता है, तो अजंता में जो किए गए वो पेंटिंग्स ये पीरियड के सबसे अच्छे पेंटिंग्स है। अजंता पेंटिंग्स की हमने टेक्निकलिटी जब हमने गुप्ता एज देखा था तब डिस्कस किया था, लेकिन आज और डिटेल में करते हैं। सबसे पहले वहां पे फ्रेस्को है। अजंता और इलोरा में डिफरेंस ये है कि जो इलोरा में पेंटिंग्स किए गए उसमें पहले उसकी स्पेस डिसाइड की गई थी, यानी कि पहले ही बॉर्डर बना के एक स्पेस डिसाइड की थी और उसके अंदर पेंटिंग्स किया था, यानी कि उसकी साइज पहले से ही फिक्स थी। जबकि यहाँ पे जैसे ही वो पेंटिंग करते गए फिर उन्होंने बॉर्डर्स बनाई थी, तो यहाँ पे ऐसी कोई साइज की लिमिटेशन नहीं थी। यहाँ पे जो पेंटिंग्स हुए उसमें इमोशंस जो है वो हैंड जेस्टर्स से दिखाए गए, यानी कि मुद्रास, जो हमारे एंशियंट जो फॉर्म्स होते हैं डांस, पेंटिंग्स, सब में मुद्रास का एक यूज होता है, तो मुद्रास से उनके एक्सप्रेशन दिखाए गए। अजंता पेंटिंग्स जो है वो स्पिरिचुअल ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो भी ह्यूमन फिगर्स है उसकी आईज जो है वो हाफ क्लोज्ड है,
जबकि इलोरा और बाकी सारे पेंटिंग्स में नहीं मिलती, और साउथ इंडियन पेंटिंग्स जो है उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज वहां पे वाइड ओपन आईज है, जो ये एरा की पेंटिंग्स है तो साउथ इंडियन पेंटिंग्स में वाइड ओपन आईज है, बिकॉज वहां पे जो म्यूरल पेंटिंग्स है स्पेशली तांजोर में राजराजेश्वर टेम्पल की म्यूरल पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस है, बाकी साउथ इंडिया में इतने ज्यादा तौर पे नहीं हुए जितने अजंता इलोरा में है, लेकिन जितने भी हुए राजराजेश्वर टेम्पल के जो म्यूरल पेंटिंग है वो काफी अच्छे है, और उसमें बेसिकली उन्होंने डांसर्स को डेपिक्ट किया है, तो डांसर्स की जो आईज होती है वो एक्सप्रेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो वहां पे वाइड ओपन आईज का कंसेप्ट है जबकि यहाँ पे हाफ क्लोज आईज है। अजंता में जो भी फ्रेस्को पेंटिंग है उसमें टेम्पोरा मेथड यूज की गई है। फ्रेस्को मेथड जैसे बताया था मैंने, वेट फ्रेस्को और ड्राई फ्रेस्को होता है, जो ट्रू फ्रेस्को होता है वो वेट फ्रेस्को ही होता है। वेट फ्रेस्को में उसकी जो सरफेस है वो वेट रखी जाती है जब तक कि उसके कलर उस पर अप्लाई ना हो, क्योंकि अगर वेट सरफेस में हम कलर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा सरफेस की डेप्थ में जाएंगे, जबकि ड्राई फ्रेस्को में जो सरफेस लेयर है उसको ड्राई करना होता है और उसके बाद उसके ऊपर कलर अप्लाई होता है। तो अजंता में ये टेक्निक यूज की है वो टेम्परा मेथड है, उसमें पिगमेंट्स यूज करके, तो ये ट्रू फ्रेस्को नहीं है। ट्रू फ्रेस्को हमें इंडिया में ये पीरियड में तांजोर में ही मिलता है, जो राजराजेश्वर टेम्पल में यूज हुए है। बाग पेंटिंग से वो सेम एज अजंता, उसकी टेक्निक उसका थीम सब कुछ अजंता से सिमिलर करता है, लेकिन बाकी केयर इतनी नहीं की गई है, तो उसकी पेंटिंग्स अभी इतनी अच्छी हमें सिचुएशन में नहीं मिलती। इलोरा पेंटिंग्स जैसे अजंता में बुद्धिज्म एक्सक्लूसिवली मिलता है, वैसे इलोरा में हिंदुइज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों के रिलेटेड हमें पेंटिंग्स मिलते हैं। यहाँ पे शिव का मतलब जो कैलाशनाथ टेम्पल है, तो शिवा एज ए मेन डेटी यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे नटराज बैटल सीन्स ये सारे पेंटिंग्स हमें मिलते हैं। टेक्निकली ये सेम है, सिर्फ साइज का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे पहले से बॉर्डर की गई थी तो एक लिमिटेशन थी कि यही स्पेस में आपको पेंटिंग करना है, जबकि अजंता में ऐसा नहीं था। विजयनगर एम्पायर से हमें लेपाक्षी में जो पेंटिंग्स किए गए वो मिलते हैं। ये जैसे कि हमें पता है विजयनगर की जो फिलोसॉफी थी वो सेक्युलर ज्यादा थी, तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स मिलते हैं वो भी रिलीजियस थीम पे नहीं लेकिन सेक्युलर थीम पे मिलते हैं। यहाँ पे प्राइमरी कलर्स का कंप्लीट एब्सेंस है, यानी कि रेड ग्रीन जैसे जो बेसिक कलर्स होते हैं वो यूज नहीं करते, लेकिन सेकेंडरी यानी कि जो प्राइमरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से हमें कलर्स मिलते हैं, जैसे पिंक है, मजेंटा है, जो टाइप के दो तीन प्राइमरी कलर्स आप ऐड करके बना सकते हो वैसे कलर्स का यूज यहाँ पे मिलता है। तो कंप्लीटली प्राइमरी कलर्स नहीं है इसलिए ये पेंटिंग्स थोड़े डल फील होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी प्राइमरी कलर यूज नहीं है, तो उसकी जो बोल्डनेस होती है पेंटिंग की वो नहीं निकलती। तो ये पेंटिंग्स को जनरली एक बैड क्वालिटी के पेंटिंग्स भी बोला जाता है, और एंशियंट पेंटिंग्स का जो एक टाइम पीरियड था उसमें ये डिक्लाइन पीरियड है। अभी हम मिनिएचर पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग है उसके जो हमें टर्मिनोलॉजी यूज की मिनिएचर, वो कोई मिनिमम मतलब जो छोटा पेंटिंग है वैसा कुछ नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विथ साइज। ये बेसिकली एक लेटिन वर्ड है मिनियम जिससे बना है, तो जब वहां पे ये स्टार्ट किया गया था रेनेसा पीरियड में, तो जो रेड कलर यूज करते थे उसको मिनियम बोलते थे, इसलिए इसको मिनिएचर बोला जाता है। ये स्मॉल स्केल पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जैसे पाम लीफ है या फिर पेपर है, क्लोथ है, ये सारे जो अलग अलग मटेरियल है उस पे हम ये पेंटिंग्स कर सकते हैं। इसके कुछ टेक्निकल रूल्स होते हैं, इसमें जो पेंटिंग्स की साइज है 25 ईच स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी एक जनरल है, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन पेंटिंग्स में चलता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है यानी कि जो अगर हम लाइन का मिनिएचर बना रहे हैं तो उसकी जो ओरिजिनल साइज है उससे 1/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मिनिएचर में उसकी साइज, तो एक स्केलिंग होता है जो मेंटेन करना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मिनिएचर पेंटिंग्स इट हैज नथिंग टू डू विथ साइज कि ये छोटा है ऐसा कुछ नहीं होता, बट ये उसका जो लेटिन वर्ड ओरिजिन है इससे इवॉल्व हुआ है।
इंडियन मिनिएचर पेंटिंग से कुछ अलग से एक्सक्लूसिव फीचर्स है। यहाँ पे जो हमने मिडेवल पीरियड में हम देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स, तो जो ह्यूमन फेसेस होता है मोस्टली साइड प्रोफाइल से दिखाए जाते हैं, तो उनके साइड फेसेस ही ज्यादा दिखाए जाते हैं। यहाँ पे जो आईज होती है वो ज्यादा बड़ी दिखाई जाती है, मतलब फेस के बाकी के फीचर से आईज को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। नोज होता है वो काफी पॉइंटेड नोज होता है, स्पेशली राजस्थानी स्कूल में जब हम देखेंगे तो एकदम पॉइंटेड नोज वो लोग ड्रॉ करते हैं। विमेन जो होती है जैसे कि उसके एक आइडियल स्ट्रक्चर्स बोले जाते हैं वैसे ही उनको दिखाए जाते हैं, स्लिम वेस्ट, लॉन्ग हेयर, और हेयर और आई ये दोनों के कलर्स एकदम डार्क ब्लैक यूज करते हैं, बिकॉज इन जनरली इंडियन हेयर होते हैं वो ब्लैक होते हैं, इसलिए स्किन कलर बाकी सारे लोगों का ब्राउन एंड कृष्णा का ब्लू। जो मैन है उनके ऊपर टर्बन्स जनरली दिखाई जाती है क्योंकि वो टाइम पीरियड में एक ट्रेडिशन थी, कस्टम्स थे हमारे। सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल कलर्स का यूज होता है, उसके बाद सेकेंडरी कलर्स भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन प्राइमरी कलर्स का एब्सेंस नहीं होता जैसा कि लेपाक्षी में है। सबसे फेमस पेंटर्स जो मिनिएचर के थे वो वाचक, निहाल चंद ने जो बनाई थी बनेठनी, दैट इज काफी फेमस है, और इंडिया की मोनालिसा भी बोलते हैं उसको। मिनिएचर पेंटिंग में फर्दर बहुत सारी टाइप्स है। पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग जो बंगाल बिहार रीजियन में थी, अपभ्रंश जो गुजरात मेवाड़ रीजियन में थी, और मुगल पेंटिंग क्योंकि जहांगीर और अकबर उन लोगों ने पेंटर को पैट्रोनेज दिया था, तो मुगल पेंटिंग की अलग से एक स्टाइल इवॉल्व हुई थी, और उसके बाद रीजियनल स्कूल्स। पाला स्कूल जो थी जो बिहार बंगाल रीजन में थी, तो यहाँ पे लोनली ह्यूमन फिगर्स मिलते हैं, यानी कि पूरे पेंटिंग में एक ही इंसान को दिखाया जाता है, जनरली ग्रुप या फिर ऐसे तीन चार जो सीन्स नहीं दिखाए जाते, सिर्फ लोनली ह्यूमन फिगर्स होते हैं। यहाँ पे मोस्टली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स है, यानी कि ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट में बीच में पेंटिंग्स होता है। जब स्टार्ट हुआ तब पाम लिप पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में जब पेपर इंडिया में एंटर हुआ तो पेपर पे भी स्टार्ट हो गया। जो बिहार बंगाल रीजन है वहाँ पे बुद्धिज्म ज्यादा डोमिनेट करता है, तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के रिलेटेड ये पेंटिंग्स मिलते हैं। यहाँ पे जो भी नेचर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें बाकी कोई एलिमेंट्स नहीं, सिर्फ बनाना ट्रीज और कोकोनट ट्रीज ही दिखाए जाते हैं। शायद उनको कोई और एलिमेंट्स का इतना आइडिया नहीं होगा, तो जो भी नेचर को उन्होंने जब भी रिप्रेजेंट किया तो ये बनाना ट्रीज और कोकोनट ट्रीज ये दोनों ही ज्यादा दिखाते हैं। अपभ्रंश स्कूल मेवाड़ और गुजरात रीजन, यही बाद में जाके फिर राजस्थानी स्कूल की और रीजनल स्कूल जो है उसमें डेवलप होता है। यहाँ पे जैसे बताया था बल्गीन आईज है, वो जब आगे आप राजस्थानी में देखोगे तब और ज्यादा आपको फीचर्स क्लियरली दिखाई देंगे। पॉइंटेड नोज होते हैं, डबल चिन का फीचर ये राजस्थानी स्कूल में भी मिलेगा और ये अपभ्रंश स्कूल में भी मिलता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट और गोल्डन कलर्स का यूज होता है। फिगर्स काफी स्टिफ होती है, यानी कि वो लाइवली फील नहीं होती बिल्कुल भी, ऐसे ज्योमेट्रिकली उनको स्टिफ बनाते हैं। यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे ज्योमेट्रिकल होता है कि आपको टॉयज जैसा फील होता है, क्योंकि हमें पता है गुजरात और मेवाड़ में हम इतना एनिमल्स और बर्ड्स का, बाकी सारे इंडिया में जितनी वैरायटी या डाइवर्सिटी मिलती है उतनी नहीं मिलती, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको लाइव कभी ना देखा हो, तो एज ए टॉयज काफी रिप्रेजेंट करते हैं। मिडिवल पेंटिंग्स को फर्दर हम मुगल पेंटिंग्स और रीजनल स्कूल ये दोनों में डिवाइड करते हैं। मुगल पेंटिंग्स जो थी उसमें इंडियन, पर्शियन और यूरोपियन ये तीनों इन्फ्लुएंस देखे जा सकते हैं। पर्शियन क्योंकि जब हुमायूं, अकबर ये सब जो थे वो पर्शियन पेंटर्स को पेट्रोनेज करते थे। हुमायूं और बाबर तो अपने साथ दो तीन पर्शियन पेंटर्स भी लेके आए थे, तो इसलिए पर्शियन इन्फ्लुएंस तो डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर अकबर ने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया कि इंडियन आर्टिजन्स को एम्प्लॉयमेंट दे दिया था, तो इसकी वजह से इंडियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे देख सकते हैं। और 16th सेंचुरी अराउंड यूरोपियन भी इंडिया में एंटर हो चुके थे, तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी हम शाहजहां के पीरियड में देख सकते हैं। इसके जो फीचर्स थे, जो यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाए गए वो मोस्टली मिनिएचर थे, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग होते हैं वो इकोनॉमिकल भी होते हैं और उनको ड्रॉ करने में भी काफी आसानी होती है। म्यूरल पेंटिंग्स काफी लार्जर साइज होता है, तो उसको पेंटिंग करने के लिए डिफिकल्टी होती है।
यहाँ पे बहुत ही अच्छे कलर्स का यूज किया गया और जो यूज हुआ वो भी बहुत ही स्मार्टली हुआ था। इनकी जो लाइन ड्राइंग थी वो काफी एक्यूरेट थी, क्योंकि हमें पता है जो मुगल्स थे उनको ज्योमेट्री का अच्छा नॉलेज था, तो इसी वजह से यहाँ पे लाइन ड्राइंग में भी एक एक्यूरेसी मिलती है। थीम्स में काफी वैरायटी है। अभी तक जैसा हमने देखा था कि जो एंशियंट पेंटिंग्स हमने देखे थे उसमें मोस्टली रिलीजन बेस्ड थे, तो बुद्धिज्म से डोमिनेट होगा, तो जातक टेल्स या फिर बुद्धा की जो अर्ली लाइफ थी उसके ऊपर ही होता था, या फिर उसके जो मेन इंसिडेंट्स हुए थे महाविनिष्क्रमण और वो सब उनके ऊपर ही पेंटिंग्स मिलते थे। जब हिंदुइज्म में हम देखते हैं तो कृष्णा के अराउंड ही हमें सारे पेंटिंग्स मिलते हैं, जो उसके बॉयहुड प्रैंक्स है उन सब के बारे में ही ज्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पे थीम में काफी वैरायटी आई, क्योंकि कुरान में ऐसा था कि इंसान को रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो फिर थीम में वैरायटी थी। तो जो रॉयल सेटअप्स थे, रॉयल पॉम्प एंड शो है, वॉर सीन्स थे, हंटिंग सीन्स थे, जहांगीर के टाइम पे नेचर यानी कि बर्ड्स एनिमल्स उन सबका रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, तो थीम्स में काफी वैरायटी आई। फोर साइडिंग टेक्निक जो हमने आर्किटेक्चर में भी देखा था वो यहाँ पे भी यूज होती है। बाबर यहाँ पे हम डायनेस्टिकली देखेंगे, बाबर का जो टाइम था वहां तो पेंटिंग के लिए कुछ ज्यादा ऐसा स्टेबल टाइम पीरियड मिला नहीं था, लेकिन बाबर ने एक पर्शियन पेंटर को पैट्रोनाइज किया था बिजहार, तो उसकी वजह से यहाँ पे पर्शियन पेंटिंग स्टार्ट होता है। उसके बाद हुमायूं, उन्होंने भी दो पेंटर्स को, पर्शियन पेंटर्स को पेट्रोनाइज किया था, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद, तो यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस स्टार्ट होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है वो अकबर के पीरियड में होता है। अकबर ने सेपरेट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था पेंटिंग के लिए, जो कंसेप्ट का कारखाना एक कंसेप्ट था, उसमें इंडियन पेंटर्स यानी कि जो हमारे नेटिव रीजन में इंडिजिनियस पीपल थे जिनको पेंटिंग का काफी अच्छा नॉलेज था, तो उनको इनवाइट करते थे, और पर्शियन पेंटर्स तो ऑलरेडी उसके कोर्ट में थे, तो इन दोनों पेंटर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया था, जिसकी वजह से ये दोनों पेंटर्स के बीच में काफी कम्युनिकेशंस हुए और एक कंबाइंड स्टाइल जो इंडो इस्लामिक फीचर्स थे वो इवॉल्व हुई। तो मुगल जो पेंटिंग स्टाइल है जो डिफरेंट है बाकी सारी स्टाइल से, वो ये पीरियड में इवॉल्व होती है। इस टाइम पीरियड में 3D फिगर्स भी हम देख सकते हैं, यानी कि कलर्स का ऐसे यूज करना जैसे कि आपको एक थर्ड डायमेंशन मिले, तो इसकी वजह से जब भी यहाँ पे मार्केट और ये सारे पेंटिंग्स बनाए गए तो कहीं पर 3D जो पेंटिंग्स होती है उसकी इफेक्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो मेन पेंटर्स थे दशवंत, बासवन एंड केसु, तो हम देख सकते हैं कि काफी जो हिंदू पेंटर्स थे उनका भी इन्होंने पेट्रोनेज दिया था। यहाँ पे जो मेनली थीम्स थी वो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की हुआ करती थी, और जो इंडियन आर्ट में पहले कभी नहीं हुआ था वैसे कंबाइंड एफर्ट स्टार्ट हुआ था पेंटर्स के बीच। कैलीग्राफी जो एक इस्लामिक स्ट्रक्चर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट थी तो वो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जहांगीर, मुगल पेंटिंग का क्लाइमेक्स पीरियड जहांगीर में मिलता है, बिकॉज जहांगीर खुद एक अच्छा पेंटर था, इसकी वजह उनका खुद का वर्कशॉप भी था, तो इसकी वजह से जहांगीर के टाइम पे काफी इसमें अलग से टेक्निक्स भी इवॉल्व हुई और एक अच्छा डेवलपमेंट पीरियड भी देख सकते हैं। जहांगीर नेचुरलिस्ट था, यानी कि जो पेंटिंग्स थे उसमें भी उन्होंने नेचर के जो सब्जेक्ट थे उसको ही रिप्रेजेंट करना ज्यादा बेटर समझा, तो बर्ड्स एनिमल्स और बाकी सारे जो नेचर के एलिमेंट्स थे उनको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, तो ऐसे सिर्फ एक बर्ड के ऊपर पेंटिंग ये सब यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये जेब्रा का पेंटिंग है जो जहांगीर ने खुद बनाया था, तो ये एक क्लासिक पेंटिंग माना जाता है ये टाइम पीरियड का। फिर जहांगीर ने दूसरा स्टार्ट किया पोर्ट्रेट पेंटिंग। पोर्ट्रेट पेंटिंग इंडिया में जहांगीर से ही स्टार्ट होता है, उन्होंने खुद काफी अच्छे पोर्ट्रेट भी बनाए थे। दूसरा एक फीचर था डेकोरेटेड मार्जिन्स का, ये पेंटिंग है और उसके अराउंड में जो बॉर्डर एरिया है उसको भी डेकोरेट करना, ये एक इस्लामिक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में भी हम कई बार ये फंडा हमने देखा था कि अरेबेस्क्यू मेथड से पूरी जो बॉर्डर्स है स्कल्पचर्स की वो डेकोरेट की जाती थी, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पेंटिंग्स के अराउंड में जो बॉर्डर्स है तो उसको भी पेंट करके काफी अच्छे से डेकोरेट करते हैं, तो डेकोरेटेड मार्जिन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है।
जो आज भी इंडिया में काफी पॉपुलर है कि मार्जिन्स को डेकोरेट करना। यहाँ ये और एक फेमस पेंटर था उस्ताद मंसूर, दूसरे दो तीन बहुत अच्छे पेंटिंग्स उन्होंने बनाए थे जहांगीर ने। इसमें सबसे फेमस है मौलाना दो प्याजा और ये जेब्रा। शाहजहां ये टाइम पीरियड में ब्रिटिश और बाकी सारे जो यूरोपियन थे उनका इंडिया में एंट्री हो गई थी, तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी हमें इनडायरेक्टली मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता। जो फिगर्स थी उसमें गोल्ड सिल्वर ये सब और ब्राइट कलर्स इनका काफी ज्यादा यूज होता था। लिबरल यूज तो पहले भी होता था लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि कितना सारा गोल्ड का यूज किया। तो अगर ज्यादा गोल्ड सिल्वर ये सब का यूज करते हैं तो पेंटिंग में जो लाइवलीनेस होती है वो नहीं रहती, तो एक आर्टिफिशियल फील आती है जो यूरोपियन पेंटिंग्स में हम देख सकते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली यूरोपियन इन्फ्लुएंस। दूसरा जो पेंसिल स्केचिंग था वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो शाहजहां का जो पीरियड है उसमें मेन दो डेवलपमेंट है, पेंसिल स्केचिंग और गोल्ड और सिल्वर का बहुत ही ज्यादा यूज। औरंगजेब के टाइम पीरियड पे वैसे भी रिसोर्सेज का काफी क्राइसिस था, तो उन्होंने पेंटिंग ये सारे पेंटर्स को जो पेट्रोनेज मिलता था वो नहीं दिया। इसकी वजह से जो एक कंबाइंड एफर्ट्स दिल्ली कोर्ट के अंदर ही होते थे, ये सारे जो पेंटर्स थे वो अपने अपने रीजन में चले गए। इसकी वजह से पेंटिंग्स का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो मुगल्स के अंडर ही लेकिन रीजनल स्कूल्स के तौर पे हुआ। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड के बाद रीजनल स्कूल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, बिकॉज तब तक तो रॉयल जो कोर्ट थी वहां पे ही सारे पेंटर्स को पेट्रोनेज मिलता था। रीजनल स्कूल्स को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राजस्थानी स्कूल एंड पहाड़ी स्कूल। राजस्थानी स्कूल में मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, जयपुर जो राजस्थान के सारे ज्योग्राफिकल पार्ट्स है तो उसके थोड़े थोड़े फीचर्स में डिफरेंस है, तो इसलिए डिफरेंट स्कूल्स है। पहाड़ी स्कूल में भी कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, थांका और जम्मू ये सारे जो रीजन्स है वहां पे अलग अलग फीचर्स है। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग यहाँ पे मेनली हिंदू डोमिनेंस था, तो जो थीम थी वो थोड़ी चेंज हो गई। मुगल इन्फ्लुएंस तो डायरेक्टली था ही क्योंकि औरंगजेब से पहले के जो सारे पेंटर्स थे वो मुगल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस थे, तो मुगल इन्फ्लुएंस है इसलिए रॉयल पॉम्प एंड शो, वॉर सीन्स ये थोड़ा बहुत अभी भी ये लोग दिखाते थे, लेकिन हिंदू आइडियोलॉजी, माइथोलॉजी जो थी, हमारी फिलोसॉफी, हमारे गॉड्स ये सब भी दिखाना जो एक बीच का टाइम पीरियड था उसमें कम हो गया था, यहाँ फिर से स्टार्ट होता है। ये तीन फेज में डेवलप होता है। सबसे पहला जो फेज है 16th सेंचुरी अराउंड, उसमें म्यूरल ही थे, जो म्यूरल पेंटिंग्स का एक पीरियड चल रहा था वो यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन एकदम सिंपल म्यूरल्स बनाए जाते थे और डार्क बैकग्राउंड पे बनाए जाते थे। उसके बाद अर्ली 17th सेंचुरी है, उसमें काफी सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग्स का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। और जो थर्ड फेज है औरंगजेब के बाद का, उसमें सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पेंटिंग लेकिन राजस्थानी स्टाइल में स्टार्ट होती है, यानी कि जो फीचर्स है वो राजस्थानी फीचर्स, ऑर्नामेंट्स ये सारे यहाँ पे दिखाना स्टार्ट करते हैं। मुगल इन्फ्लुएंस डायरेक्टली है और यहाँ पे फिर जो स्टार्ट हुआ मिनिएचर पेंटिंग मोस्टली है। यहाँ पे हिंदू जो हमारी फिलोसॉफी उसके अराउंड में ज्यादा थीम्स मिलती है, तो राधा कृष्ण, फिर कुछ सेक्युलर यानी कि कॉमन पीपल के नायक नायिका, यानी कॉमन पीपल के दो ऐसे हीरो और हीरोइन टाइप स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं और उसमें फिर अलग से इमोशंस क्रिएट करके पेंटिंग बनाते हैं। हंटिंग सीन्स भी काफी हम देखते हैं जो मुगल इन्फ्लुएंस दिखाता है। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल यानी कि जो उदयपुर के अराउंड का राजस्थान का रीजन है वो मेवाड़ का रीजन है, तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स है उसको रागमाला पेंटिंग्स कहते हैं। ये काफी यूनिक है क्योंकि हमारे आगे हम इंडियन म्यूजिक में देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे राग है, तो राग हिंदुस्तानी जो म्यूजिक होता है उसमें टाइम, मूड और सीजन स्पेसिफिक होता है, यानी कि कोई टाइम परफेक्ट टाइम पे वही मूड पे और वही सीजन में वो राग बजाया जाता है, तो ये जो राग है उसका टाइम, मूड और जो सीजन है वो ये पेंटिंग्स में दिखाया जाता है, तो इसी वजह इसको रागमाला पेंटिंग्स बोलते हैं। ये डायरेक्टली राग के बेस पे होती है और वो राग के बेस पे जो और सारी स्क्रिप्चर्स है उसके जो इंसिडेंट्स है वो भी यहाँ पे
दिखाए जाते हैं। तो इसी वजह से पेंटिंग्स, म्यूजिक और पोएट्री, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये पेंटिंग में मिलते हैं, इसलिए ये पेंटिंग इंडिया में यूनिक है। मारवाड़ स्कूल, और ये किशनगढ़ स्कूल के नाम से भी जानी जाती है, यहाँ पे राधा कृष्णा की थीम ही ज्यादा मिलती है, और जो एक इंडियन वुमन का ग्रेस होता है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखता है। इंडियन वुमन हुड का जो एक नेचर होता है या वे पे पनियारी होती है, वो सारे पेंटिंग यहाँ पे दिखाए जाते हैं। यहाँ पे गोल्ड का यूज होता है, लेकिन लिबरल यूज है, बहुत ही ज्यादा नहीं है, ऑर्नामेंट्स और वो सब में ही गोल्डन का यूज होता है। कृष्णा है जो, वो ब्लू कलर में पेंट होता है। इसका एक यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल का फेस है वो काफी सिमिलर है। ये पेंटिंग को आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये सारे ऑर्नामेंट्स और जो फीमेल फीचर्स है वो ना हो, तो जो फेस है पर्टिकुलर वो आपको राजस्थानी स्कूल में और जो मेल फेस है उसके जैसा ही दिखेगा, तो काफी सिमिलरिटी होती है। आईब्रोज काफी नैरो होती है, और उसकी जो आईज होती है वो लोटस पेटल शेप्ड होती है। तो ये पूरी राजस्थानी स्कूल में आईज का शेप ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, बल्गिन शेप होगी या फिर ऐसा होगा। यहाँ पे जो फेमस पेंटर्स है वो निहाल चंद और राजा समन सिंह। निहाल चंद ने बनाई बनी ठगी। बूंदी स्कूल, ये अरावली रेंज के अराउंड में है। यहाँ पे जो स्काई है वो जो अरावली में सनसेट के टाइम पे जैसा स्काई होता है वैसे ही मोस्टली दिखाया जाता है। तो ये जो पेंटिंग है यहाँ पे लोकल वेजिटेशन का काफी उन्होंने पेंटिंग्स में यूज किया है। जैसे कि ये हिल्स आप देखोगे तो अरावली के अराउंड में जो हिल्स होती है वो ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है, और स्काई में एक रेड कलर की रिबिन हमको मिलती है जो जनरली सनसेट के टाइम पे ये एरिया में दिखने को दिख सकते हैं। यहाँ पे जो थीम है वो सीन्स ऑफ प्लेजर, यानी कि कुछ रोमांटिक सीन्स है या फिर लविंग प्रिंसेस ऐसे टाइप के, एक रिलीजियस नहीं लेकिन सेक्युलर टाइप के, लेकिन रोमांटिक ऐसे सीन्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे मोस्टली मिनिएचर पेंटिंग्स ही है। ह्यूमन फेस जो है यहाँ पे राउंड मिलता है, और शार्प नोज और नैरो आईब्रोज, ये सारे फीचर्स। राजस्थानी स्टाइल और मुगल स्टाइल का कंपैरिजन डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में आ सकता है। राजस्थानी स्टाइल है वो इंडिजीनियस स्टाइल की पहले फ्रेस्को और म्यूरल टाइम है, लेकिन उसके बाद जब मिनिएचर स्टार्ट हुआ तो उसमें मुगल इन्फ्लुएंस है। मुगल स्टाइल में पर्शियन और यूरोपियन इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पर्शियन है। राजस्थानी स्कूल में जो थीम है वो रिलीजियस डिवोशनल ये, और मुगल स्टाइल में जो थीम है रॉयल फॉर्म, कॉर्ट सीन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। यहाँ पे पोर्ट्रेट स्टार्ट हुआ तभी थोड़ा बहुत ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जो हमारी संस्कृत टेक्सचुअल डिटेल्स है, यानी कि कालिदास ने कुछ लिखा है, तो वो सारे बेसिस पे यहाँ पे पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। जबकि यहाँ पे मुगल में जो पेंटिंग्स है वो पर्शियन पोएट्री पे डिपेंड है, तो पर्शियन पोएट्री में कुछ अगर लिखा है तो उसके बेसिस पे, वो इंसिडेंट्स के बेसिस पे यहाँ पे दिखाए जाते हैं। जबकि राजस्थानी में रामायण महाभारत जैसे जो हमारे एपिक्स हैं, या फिर कालिदास जैसे हमारे संस्कृत टेक्स्ट हैं, तो उसके ऊपर बेस होता है। यहाँ पे जो हिंदू सिंबल्स है वो राजस्थानी स्कूल में काफी यूज करते हैं, स्वान है, स्वस्तिक, लोटस, और पर्शियन में ट्रीज, कैमल्स, फाल्कन, ये सबका ज्यादा यूज होता है। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसका इवोल्यूशन 7 to 18 सेंचुरी, ये पूरा जो टाइम पीरियड था उसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ है। जो मेडकल था वाइसराय, उनके उन्होंने कांगड़ा स्कूल की जो पेंटिंग्स थी उसको डिस्कवर किया था। तो कांगड़ा स्कूल से जब पेंटिंग मिले तो उसके बाद राजस्थानी और पहाड़ी ऐसे दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। अदरवाइज पहले ये जो रीजन था उनके पेंटिंग्स राजस्थानी स्कूल में ही देखे जाते थे, लेकिन इसके बाद जब ये डिस्कवर हुआ तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में और फीचर्स वाइज भी काफी डिफरेंट ऐसे पेंटिंग्स मिले, तो फिर फर्दर डिविजन हुआ। यहाँ पे जो थीम है वो कृष्णा की बॉयहुड प्रैंक्स है उसके बारे में, फिर इंडियन वुमनहुड का जो ग्रेस है, उसके जो डे टू डे लाइफ के उसके रिचुअल्स है, उस सब के बेस पे ज्यादा होता है। और कांगड़ा स्कूल में स्पेशली राधा कृष्णा का लव सेंस ये काफी दिखाए जाते हैं। सबसे पहले कांगड़ा स्कूल, राजा समरचंद था उसके अंदर में ये प्रमोट हुई थी स्कूल,
यहाँ पे राधा कृष्णा के लव सॉन्ग्स ऐसे दिखाए जाते हैं। ये जो स्कूल्स थी वो जो गीत गोविंद जैसी पोएट्री थी राधा कृष्णा की, तो वो पोएट्री को पेंटिंग्स में ट्रांसलेट किया था। यहाँ पे फेमस पेंटर्स थे मंकू किशनलाल एंड पट्टो। थांका स्कूल ये लद्दाख रीजन जो हमारा है वहां से बिलोंग करता है, इसलिए ये पेंटिंग काफी डिफरेंट है, बिकॉज पूरे इंडिया में ये टाइप के ये फीचर्स वाले पेंटिंग्स कहीं नहीं मिलते। ये मिनिएचर पेंटिंग है, यहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस है, बिकॉज यहाँ पे बॉर्डर शेयर होती है, तो चाइनीज इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकली यहाँ पे है, तो इसलिए चाइनीज में जैसे ड्रैगन का इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ भी पेंटिंग्स में ड्रैगन को पेंट किया जाता है। ये जो पेंटिंग है ड्रैगन का है, ड्रैगन एक चाइनीज की माइथोलॉजिकल बिलीफ है, तो उसको बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। यहाँ पे अगर ड्रैगन नहीं है तो बाकी सारे जो पेंटिंग्स है उसमें बुद्धिस्ट थीमिंग डोमिनेट करती है, बिकॉज यहाँ पे जो पॉपुलेशन है यहाँ बुद्धिस्ट डोमिनेशन ज्यादा है। यहाँ पेंटिंग में सिल्क का भी यूज होता है, तो सिल्क के ऊपर भी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते हैं। फिर देखते हैं साउथ इंडियन पेंटिंग्स। तांजोर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो चोला रूलर्स के अंडर में ये स्कूल डेवलप हुए थे। यहाँ पे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को सबसे ज्यादा पेंट किया गया। सबसे जो इनका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था वो चाइल्ड कृष्णा, तो चाइल्ड कृष्णा की पेंटिंग्स जो अभी भी हमारे घर में होते हैं एकदम स्माइलिंग फेस वाले, तो वो यहाँ से इवॉल्व हुआ था। यहाँ के जो पेंटिंग्स थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था स्माइलिंग फेस, और दूसरा था एकदम डेकोरेटेड, इसका जो डेकोरेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, उसकी बॉर्डर्स पे, उसके ऑर्नामेंट्स पे, क्लोथिंग पे, ये सब पे डेकोरेशन होता है, तो उनका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन था या फोकस था वो डेकोरेशन पे ही ज्यादा था। और जो एनाटोमी होती है वो हमेशा से ऐसे राउंड फेसेस और जो ऐसे ह्यूमन आइडियल कैरेक्टर होता है वैसे ही ये लुक पोर्ट्रे करते थे। यहाँ पे गोल्ड का लिबरल यूज होता है, लेकिन आगे चल के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज होने लगता है। सेकेंड वन इज मैसूर स्कूल, 7th to 19th century में पूरी डेवलप हुई थी। यहाँ पे भी जो थीम है वो मेनली हिंदुइज्म है, तो जो कृष्णा के प्रांक्स है चाइल्डहुड या फिर राधा कृष्णा, वो सभी यहाँ पे ज्यादा दिखाए जाते हैं। यहाँ पे एक पेस्ट होती है पर्टिकुलर, उसको गैसो पेस्ट बोलते हैं, तो ये जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे एक यूनिक फीचर ये है कि ये पेंटिंग्स में अगर दो एक या दो से ज्यादा फिगर्स ह्यूमन फिगर्स दिखाई जाती है, जो मेन सब्जेक्ट है उसकी जो सिमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि वो जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको काफी बड़ा दिखाया जाता है, और बाकी सारे जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसको कम उसकी साइज कम रखी जाती है, तो आपको डायरेक्टली पेंटिंग से पता चलता है कि मेन सब्जेक्ट किसकी कौन इसमें मेन हीरो है, तो इसी वजह से एक इनइक्वालिटी जैसा फील होता है, तो ये पेंटिंग का एक यूनिक फीचर है। यहाँ पे म्यूटेड कलर्स का काफी यूज हुआ है और मोस्टली मिनिएचर। फोक पेंटिंग्स जो रीजनली डेवलप होती है, हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह पे अलग अलग फोक पेंटिंग्स का कल्चर है, लेकिन जो मेन तीन चार है वो अभी हम कवर कर सकते हैं। फोक पेंटिंग में मेनली डिफरेंस ये होता है, जो ये क्लासिक पेंटिंग्स होती है वो मोस्टली हमारे रिलीजन ये सबसे इन्फ्लुएंस होती है, जबकि जो फोक पेंटिंग होती है वो रीजन की जो ट्रेडिशन है या कल्चर है, कस्टम्स है, या फिर उनके जो नेटिव हीरोज है, कुछ गांव के कोई हीरो है जो जिसने कभी वो गांव को बचाया होगा या फिर कुछ अच्छा काम किया होगा, तो वो जो लोकल हीरोज है, नेटिव हीरोज है, उनके ऊपर ये पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, तो ये इस वजह से काफी दोनों में डिफरेंस होता है। और फोक पेंटिंग्स होते हैं वो लोगों के काफी करीब होता है। फोक कल्चर ओवरऑल आप ऐसा जब आंसर में लिखना हो तो ये एलिमेंट आप लिख सकते हो कि जो फोक म्यूजिक होता है या फिर डांस होता है और पेंटिंग होता है, ये लोगों के ज्यादा करीब होता है जो क्लासिकल फॉर्म से, तो ये नेचुरली उस रीजन में मिलता है, उसको सीखने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। यहाँ पे जो कस्टम्स और कल्चर वो डायरेक्टली इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं, और जो वेजिटेशन या फिर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाएंगे वो लोकल वेजिटेशन ही ज्यादा दिखाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग्स, ये बिहार का जो मिथिला रीजन है वहां पे बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो थीम है वो हिंदू गॉड्स गॉडेसेस माइथोलॉजी, फिर जो एक
लोकल कल्चर होता है वेडिंग सेल्स, यानी कि शादी में जिस तरह की ट्रेडिशंस होती है, छोटे छोटे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो सब यहाँ पे दिखाए जाते हैं। फेस्टिवल्स, कुछ इरोटिक सेल्स भी मिलते हैं और रॉयल कोर्ट सेल्स भी दिखाए जाते हैं। ये जो पेंटिंग्स है वो एक्सक्लूसिवली वीमेन पेंटर्स ही बनाते हैं। 1967 से पहले ये जो पेंटिंग्स का कल्चर था वो म्यूरल पेंटिंग्स था, यानी कि ये लोग अपने घरों की दीवारों पे ये पेंटिंग्स बनाते थे। लेकिन आफ्टर 1967 ये मिनिएचर पेंटिंग मोस्टली है। 1967 में बिहार में एक बहुत ही बड़ा फेमाइन आया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इनकी इकोनॉमी बहुत हर्ट हुई थी, तो ये पेंटिंग को उन्होंने एज ए ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया। तो म्यूरल पेंटिंग्स को इकोनॉमिकली इतना आप यूज नहीं कर सकते, अगर आपको सेल करना है या फिर उसके जरिए कुछ इनकम जनरेट करनी है तो म्यूरल पेंटिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे 1967 के बाद मिनिएचर में स्टार्ट हुआ, यानी कि कार्ड्स और ये सब के ऊपर ये लोग पेंटिंग्स बनाते हैं और उसको फिर सेल करते हैं, तो इस तरह एक इनकम भी जनरेट होती है। तो 1967 है वो इसका डिवाइड ईयर था। इसका यूनिक फीचर ये है कि इसकी जो आउटलाइन है वो पहले ड्रॉ नहीं करते, ब्रश से डायरेक्टली पेंट करते हैं, तो ये इसका यूनिक फीचर। यहाँ पे कोई भी प्रिलिमिनरी स्केचिंग नहीं होती कि पहले स्केचिंग की फिर कलर्स की, ऐसा कुछ भी नहीं। 2D फिगर्स होती है यहाँ पे। ये पेंटिंग्स में कोई भी स्पेस को छोड़ा नहीं जाता, यानी कि छोटे से छोटे स्पेस को भी कुछ भी डिजाइन करके ये लोग कवर करते हैं, तो छोटी सी जगह भी आपको एम्प्टी नहीं नजर आती। यहाँ पे कुछ अगर चीज दिखानी है तो सिंबल्स यूज होते हैं वो चीज की वजह, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखा जा सकता है। फिर कलर्स करने के लिए, जैसे कि ये एक कॉमन वीमेन का आर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे कलर ड्राइज का यूज होता है। अगर कुछ कलर्स दिखाने जो अवेलेबल है तो फिर कलर ड्राइज का भी यूज होता है, तो उसको अरिपन बोलते हैं। दूसरा एक यूनिक फीचर ये कोहबर। कोहबर वो होता है जो मधुबनी पेंटिंग्स ही है लेकिन अभी भी म्यूरल्स के तौर पे होती है, और ये जनरली बेडरूम्स में होती है, तो जो उनके घर होते हैं उसके बेडरूम्स में ये कोहबर होता है, यानी कि म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ मधुबनी स्टाइल। तो यहाँ पे काफी इरोटिक थीम मिलती है। जो मेन पेंटर्स यहाँ पे है सीता देवी, तो इन्होंने काफी इसको ग्लोबलाइज किया था, और 1967 के बाद जो एक चेंज आया उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा। वर्ली पेंटिंग्स, ये ट्राइबल पेंटिंग्स है मेनली, और महाराष्ट्र रीजन में मिलते हैं, तो गुजरात महाराष्ट्र का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे भी ये वर्ली पेंटिंग्स मिलते हैं। मोस्टली ये म्यूरल पेंटिंग्स है, जो ट्राइबल घर होते हैं उसके दीवारों पे या फिर उनके जो और सारे स्ट्रक्चर्स है तो उसके दीवारों पे ये की जाते हैं। अगर टैगोर हॉल रिनोवेट होने के बाद अगर आपने विजिट किया है तो उसकी जो वॉल्स है अंदर हॉल की, वहां पे भी वर्ली पेंटिंग्स का म्यूरल पेंटिंग्स है। तो पूरी ऐसी पेंटिंग्स है, लेकिन ये पूरी वॉल पे बनाते हुए लायन का स्ट्रक्चर बनाती है, तो लायन का स्ट्रक्चर दूर से और उसके अंदर भी ऐसी पेंटिंग्स है। तो अगर आप अब जाओ तो उसको ध्यान से देखना तो अच्छा उसका इम्पोर्टेंस बता सकते। यहाँ पे काउडंग यूज की जाती है बैकग्राउंड में, तो काउडंग का बेस बनाते हैं, प्लास्टर बनाते हैं, उसके ऊपर पेंटिंग्स करते हैं। यहाँ पे जो मेल फीमेल्स होते हैं उसको ऐसे ज्योमेट्रिकली शेप होता है, तो ऐसे दो हैंड्स है फिर ऐसे फिगर्स है, तो जैसे हम और सारे पेंटिंग्स में ह्यूमन का देखते हैं वैसे नहीं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकली काफी पैटर्न मिलते हैं। यहाँ पे जो फिगर्स है उनको ड्रॉ करने के लिए व्हाइट कलर राइस की पेस्ट होती है, व्हाइट राइस जो होता है उसकी पेस्ट होती है, तो ऐसे व्हाइट होती है। मंजूषा पेंटिंग, ये बिहार का जो भागलपुर रीजन है वहां पे मिलता है, इसको अंगिका आर्ट भी बोलते हैं। तो ये मेनली सांप को यहाँ पे दिखाए जाते हैं, और जो जूट और पेपर के बॉक्सेस होते हैं उसके ऊपर ये पेंटिंग की जाती है। पटना कलाम, यहाँ पे जो अभी ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो कॉमन मैन है उसकी जो डेली लाइफ है उसको काफी ज्यादा यहाँ पे दिखाया जाता है। ये मोस्टली मिनिएचर है और मेल आर्टिस्ट इसको डोमिनेट करते हैं। बाजार पेंटिंग्स, ये बंगाल रीजन में मिलती है, क्योंकि बंगाल रीजन में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस सबसे पहले और ज्यादा था उस टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस डायरेक्टली मिलता है,
तो जो रोमन और ग्रीक स्टैच्यूज जैसी जो एनाटॉमी उसके जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे हम कॉमन मैन के फीचर्स में भी देख सकते हैं। यहाँ जो पहले इंडिया का कंसेप्ट था, जैसे इंडियन गॉड्स है बहुत सारे, उसके हैंड्स है या फिर एलिफेंट हेड है, वैसे जो अभी मतलब हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वैसे सारे फिगर्स को पेंट करना यहाँ पे बंद होता है। तो ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखाता है कि लॉजिक का, रैशनैलिटी का यूज करके फिर जैसा ह्यूमन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वैसे पेंटिंग्स करना ये लोग बंद करते हैं। तो यहाँ पे जो एवरीडे बाजार सीन्स है, इसलिए इसको बाजार पेंटिंग बोले जाते हैं, तो जो मार्केट सीन्स है वो सारे, और फिर बाजार उस तरह भी ब्रिटिश ऑफिसर के सामने जो डांसर्स होती है, फेमस डांसर्स, वो डांस करती है, वो सारे पेंटिंग्स भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो वहाँ उस टाइम पे जो इंडो यूरोपियन कल्चर एक इवॉल्व हुआ था, तो उसका डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन हमें ये स्टाइल में मिलता है। मॉडर्न पेंटिंग, यहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस डायरेक्टली हम देख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर 1940s के अराउंड में जब ये स्टाइल डेवलप हुई, तो जो वेस्टर्न आइडियाज थे उसको डायरेक्टली हम लिटरेचर से यहाँ पे पहुँचते हुए देख सकते हैं, तो उसको ही फिर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो इनिशिएटिव था वो राजा रवि वर्मा, इसको ईस्टर्न राफेल भी बोला जाता है। ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने उनको जो हमारी माइथोलॉजी या हमारे कंसेप्ट थे उनको स्प्रेड करना था थ्रू मॉडर्न पेंटिंग्स, तो इसीलिए वहां पे ज्यादा तौर पे ये बनाए गए। इनका जो फेमस पेंटिंग्स है लेडी इन मूनलाइट एंड रावण सीता को किडनैप करता है, वो जो इंसिडेंट है, तो उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी या फिर हमारे जो मिथ्स थे गॉड्स एंड गॉडेसेस के रिलेटेड जो सारी स्टोरीज थी उनको मॉडर्न पेंटिंग की जो टेक्निक्स थी उसमें बनाना स्टार्ट किया। बंगाल स्कूल्स, जो मॉडर्न पेंटिंग स्टार्ट हुई उसमें अभिनिंद्र नाथ टैगोर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो इस वजह से बंगाल रीजन में एक पूरी जो जनरेशन है वो स्टार्ट हुई थी पेंटर्स की। अभिनिंद्र नाथ टैगोर था, उन्होंने अरेबियन नाइट की पूरी एक सीरीज बनाई थी, तो वो काफी फेमस हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर में उनकी जो पेंटिंग्स है वो भी काफी डिफरेंट है, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। ये जो पेंटिंग्स है वो रिएक्शनरी अप्रोच से बने थे, जो हिस्टोरिकली आप देखोगे तो वहां पे जो सारे इंसिडेंट्स हुए थे तो उसके रिएक्शन में भी काफी सारे पेंटिंग्स बनाए गए। यहाँ पे बहुत ही सिंपल कलर्स का यूज होता है क्योंकि मॉडर्न पेंटिंग है, तो जो ब्राइट कलर्स का हमारा जो कंसेप्ट था या ट्रेडिशन थी तो उसके चलते यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, यहाँ पे सिंपल कलर्स का यूज होना स्टार्ट होता है। रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे ब्लैक इंक लाइन्स का ज्यादा डोमिनेशन मिलता है, आप ये पेंटिंग्स में देख सकते हैं, पूरी ब्लैक इंक जो इंक लाइन्स होती है उससे ही बनाया गया। एक उनके पेंटिंग्स में एक रिदम मिलती है जो उनके राइटिंग्स में भी है, तो उनकी जो पेंटिंग्स है वो उनके राइटिंग से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है, तो इसी वजह से जो उनकी गीतांजलि के और सारी जो थॉट्स है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पेंटर था एम एफ हुसैन, एम एफ हुसैन में हमें लाइन एंड कलर ये दोनों में एकदम परफेक्ट बैलेंस मिलता है। एम एफ हुसैन काफी क्रिएटिव इंसान थे, फोटोग्राफर, पेंटर और फिल्म मेकर, काफी सारा उन्होंने अलग अलग रीजन्स में काम किया था। इनको पिकासो ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनकी जो थीम थी मोस्टली पर्सोफिकेशन ऑफ रोमांस के बेस पे ही ये ज्यादा पेंटिंग्स बनाते थे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे काम करते थे, और उनकी जो स्टाइल थी वो क्यूबिस्ट आर्ट फॉर्म थी, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको ब्रेक किए जाते हैं फिर उसको अलग तरीके से कनेक्ट करके पेंटिंग बनाए जाते हैं, तो ये पूरी क्यूबिस्ट स्टाइल होती है। एक उनका फेवरेट मोटिव था हॉर्स, जो उनके पेंटिंग्स में बहुत बार मिलता है, तो ये उनको अट्रैक्ट करती थी। अभी परफॉर्मिंग आर्ट स्टार्ट,